छिंदवाड़ा में पुलिस अधीक्षक मनीष खत्री व अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक अवधेश प्रताप सिंह द्वारा अवैध रूप से अवैध गतिविधियों में संलिप्त व्यक्तियों के विरुद्ध कार्यवाही करने के दिशा निर्देश दिए गए हैं। गौरतलब है कि अनुविभागीय अधिकारी पुलिस चौरई सौरभ तिवारी के नेतृत्व में थाना प्रभारी चौरई दिलीप पंचेश्वर व पुलिस टीम के द्वारा 21 जुलाई 2024 को मुखबिर से सूचना प्राप्त हुई कि माचागुरा डैम में प्रति रविवार को कुछ लोग स्ट्राइकर चलाकर बाहर से आने वाले पर्यटकों को लोभ लालच देकर रुपए पैसों पर दाव लगाकर अवैध रूप से लाभ अर्जित कर रहे हैं। इस सूचना पर पुलिस टीम के द्वारा रेड कार्यवाही की गई, जहां मौके पर आरोपी अक्कू और अखिलेश चौधरी एवं पंकज नामदेव मौके पर मिले, जिनके कब्जे से 3 नग स्ट्राइकर, नकदी 3,800 रुपए, 2 मोटरसाइकिल के मद 1,10,000 रुपए एवं एक मोबाइल जब्त किया गया है। पूछताछ में आरोपी पंकज नामदेव एवं अक्कू और अखिलेश चौधरी के द्वारा बताया गया कि रानू चौधरी निवासी चौरे का जो अवैध लाभ अर्जित करने के उद्देश्य से प्रेरित करता है और आने जाने के लिए मोटरसाइकिल एवं अन्य सुविधा देता है। उपरोक्त तीनों आरोपी गणों के विरुद्ध अब क्रमांक 599/24 धारा 4 क सट्टा 8 और 50 BNS का प्रकरण पंजीबद्ध किया गया है। आरोपी गणों के विरुद्ध पूर्व में भी आपराधिक रिकॉर्ड है, जिनके विरुद्ध धारा 129 BNS के तहत प्रतिबंधात्मक कार्रवाई की गई है, जिन्हें दोबारा स्ट्राइकर नहीं चलाने की शपथ दिलाई गई है। पुलिस बल में महत्वपूर्ण भूमिका निरीक्षक दिलीप पंचेश्वर, सोनी सतीश दुबे, R831 राजू भारती, R667 कन्हैया सनोटिया, R850 राजपाल बकेल की सराहनीय भूमिका रही। कल मुखबिर द्वारा सूचना मिली की चौराई के अखिलेश चौधरी और पंकज नामदेव, जो इनका सरगना है रानू चौधरी, ये लोग स्टाइकर पर डब्बे से पैसा लगाकर जुआ का काम करते हैं। जो माचागुरा डैम में बाहर से जो पर्यवेक्षक और जो निरीक्षण और क्या बोला चीज आते हैं सैलानी लोग, उनको चूतिया बनाते हैं और उन्हें जुआ में संलग्न करके उनसे अवैध वसूली करते हैं। सूचना पर कल टीम बनाकर मोटरसाइकिल जाके रेड कार्रवाई की गई। मौके पर अखिलेश और पंकज को पकड़ा गया, जिनसे 3800 रुपए और 2 मोटरसाइकिल जिनकी कीमत 1,10,000 रुपए करीब है, एवं सरगना जो है उनका चौधरी, उसके ऊपर भी कार्रवाई की गई है। जो है एनबीसी न्यूज के लिए चौरी से राजेश उइके की रिपोर्ट।